सुना है वक्त है गुजर जाएगा, ये लॉकडाउन खुल जाएगा। जिनके जो है ठिकाने वो वहां पे जाएंगे, ऑफिस हो या दुकाने थोड़ा कमा के लाएंगे। सुन ले सरकार हम कलाकार कहां जाएंगे, बोले सरकार हम कलाकार कहां जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज, आपका संवाददाता मैं। जैसे कि सभी की जो वहाँ पे केवल एक ही नाम आता है, बात करें डॉक्टर्स की, बात करें बिजनेसमैन की, बात करें स्कूल ओनर्स की, बात करें स्टूडेंट्स की, केवल एक ही नाम आता है आजकल, कोरोना। दोस्तों क्या किसी ने सोचा है, कलाकार, आज का चर्चा का विषय हमारा है कलाकार, बैंड बाजा। जैसे कि कोरोना की महामारी प्रकोप पड़ रहा है दिन प्रतिदिन, इस दौरान क्या किसी ने पैरवी करी है बैंड वालों की? जी हाँ दोस्तों, आज हमने इसका विश्लेषण हिसार की बैंड मार्केट से किया है, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा क्लिप्स, बैंड मालिकों ने क्या कहा, वे किस तौर से वो गुजर रहे हैं। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, सुख में भी बैंड वाले आपको आगे दिखेंगे, दुख में भी बैंड वाले आपको आगे दिखेंगे, एक सहरा सजाते हैं बैंड। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैंड के जो ओनर्स हैं उनका क्या कहना है, आज किस सिर पे वो आ खड़े हैं। दोस्तों मैं क्लिप देखूँ, दिखाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा, कमेंट्स ज़रूर करिए और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखिए इस क्लिप को विस्तार से। मैं महाराजा बैंड से संजय कुमार हरियाणा सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी में हमारा जो रोज़गार है उसे काफ़ी नुकसान पहुँचा है, बिल्कुल ही काम हमारा बंद हो गया है और हम भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। हमारे वर्कर जो हमारे पास काम करना चाहते थे उनके पास कोई काम नहीं है, वो तीन चार महीने से खाली बैठे हैं बिल्कुल अपने घरों पर। और मैं गवर्नमेंट से, सरकार से, हरियाणा सरकार से, सेंटर से जो भी हमारी मदद हो सके वो करें। अभी तक हमारे पास कोई मदद नहीं पहुंची है, ना ही हमारे पास कोई आया है हमें पूछने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमारा रोज़गार फिर से शुरू करे ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मेरे साथ जुड़े हुए घोड़ी वाले, बग्गी वाले, लाइट वाले और हम बैंड के कारीगर, ढोल वाले, नगाड़े वाले, शहनाई वाले, हम सभी काफ़ी इस कोरोना महामारी में काफ़ी बेरोज़गार हो चुके हैं। कृपया करके हमारी मदद की जाए, मेरी गवर्नमेंट से यही अनुरोध है, हरियाणा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की जाए। मैं दर्शन न्यूज़ के माध्यम से मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ कि जो हमारा बेरोज़गार हुए हैं ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचाई जाए। जो भी अधिकारी, डॉक्टर या जो भी हमारी ये न्यूज़ देख रहा है दर्शन न्यूज़ के माध्यम से, कृपया करके ये आवाज़ हमारी गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचाई जाए ताकि गवर्नमेंट हमारी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दे सके। 70 साल से हमने ना तो गवर्नमेंट से कुछ लिया है, ना ही गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया है। हमारा अनुरोध है कि हम कलाकारों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ सरकार से। जैसा कि आपने अभी इस क्लिप में देखा, एक बैंड मालिक जो कि महाराजा बैंड का मालिक हिसार से आह्वान कर रहा है, एक गुहार लगा रहा है कि इतना लॉस हो गया है, ना खाने को रोटी है और दिन प्रतिदिन जो कर्ज है, कर्ज सिर पर बोल रहा है। तो दोस्तों ऐसे में हमने एक और बैंड मालिक का भी साथ में विजिट किया, जिसमें कि महाराजा बैंड व अन्य बैंड के जो मालिक थे उनसे हमारी बातचीत हुई। तो हम आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना था। मैं भाई साहब हरी सिंह रमेश कुमार घोड़ी बग्गी वाले से बोल रहा हूँ।
हमारा काम लगभग 3 महीने से बंद हो चुका है और हमारे पास लगभग 10 से 15 घोड़ियाँ हैं, जिसको खिलाने का खर्चा हर रोज़ का एक घोड़े का पर 300 रेगुलर का है। तो उन घोड़ियों की वजह से हम कोई काम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको हमको 3 टाइम का खाना और पानी राशन देना पड़ता है। उनकी देखभाल के लिए हमें 2-3 लड़के भी रखने पड़ते हैं और खाना पीना टाइम टू टाइम उनको देना पड़ता है। और हमारा लगभग 3-4 महीने से काम बिल्कुल बंद हो चुका है। हमारे हालत ऐसे हो चुके हैं कि हमारा तो छोटो पशु का भी खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे। सरकार हमारी तरफ इसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं है, कोई सहायता नहीं है। और प्लस में हमारा बैंड का काम भी है, रमेश बैंड से, तो ये काम भी हमारा लगभग 3-4 महीने से बंद हो चुका है। जो हमारे पास स्टाफ है काम करने वाले, लगभग 50-60 आदमी हैं, उनके घर भी बिल्कुल माहौल गरीबी जैसा हो चुका है, भुखमरी की कगार पे वो भी। तो उनको भी किसी प्रकार की सहायता दी जाए, हमारे वर्करों को। हमारी गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है, अनुरोध है, हमारे को या तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, हमारे वर्करों को हमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ताकि हम अपने घर का पालन पोषण कर सकें। स्कूल की फ़ीस, बच्चों की फ़ीस हम कहाँ से देंगे? रोज़ स्कूलों के वालों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, हम फीस कैसे देंगे, अपने बच्चों को कैसे आगे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कैसे करेंगे, हमारे तो समझ से बाहर हो चुका है। कृपया गवर्नमेंट से, जो भी ये हमारी वीडियो देख रहा है और दर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुन रहा है, कृपया गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए। मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहता हूं आप सभी। ये क्लिप्स देखने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है, क्या बैंड वालों का कोई वारी वारस है? क्या बैंड वालों को आज कोई पकड़ने वाला, हाँ उंगली पकड़ने वाला है? वह एक गुहार लगा के खड़े रह गए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच में बैंड वालों की सपोर्ट करनी चाहिए, स्पोर्ट के माध्यम से आप कमेंट ज़रूर करिए। क्या पता आपकी इस कमेंट से इनको कोई सजेशन मिल जाए जो ये गुहार लगाना चाह रहे हैं। तो दर्शन न्यूज़ में ऐसे ही आपको वीडियो दिखाता रहेगा, ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज दिखाता रहेगा। मैं आपका संवाददाता मैंक। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं लास्ट में एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कोरोना से बचने के लिए मास्क ज़रूर डालिए, सोशल डिस्टेंस व सैनिटाइजेशन भी रेगुलर रखिए। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। दर्शन न्यूज़ देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संवाददाता मैंक।